तवा है ये मिट्टी का, बेच रहा था वहां पे, पसंद आया था मुझे। और इसमें मेरी दाल थी वो भी मैंने इसी में डाल दी है। तो लगभग मैंने आज 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है। रोटी ग्लास में डाली जा रही है, बस सही है यार। पी लो। आज फिर से मौसम हो गया बारिश वाला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो गाइस, सुबह के 5 बज चुके हैं और आज बहुत जल्दी रेडी हो गया हूँ जिम जाने के लिए। और बस निकल रहा हूँ मैं और थोड़ा कुछ खा लेते हैं, थोड़ा क्या मतलब प्री वर्कआउट मील में कुछ खा लेते हैं। तो अभी खा लेता हूँ मैं 3 केले और 1 बॉयल आलू। तो ये अपनी रहेगी प्री वर्कआउट मील, तो मैं यहीं से खा के जाऊँगा और सीधे ही जाते ही थोड़ी देर बाद अपना वर्कआउट हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को 4th दिन है, धीमे धीमे करके डाइट फॉलो करने की आदत होती जा रही है। आज सुबह का मौसम तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा कि मतलब मेरे को रूम में ना कूलर चल रहा था तो कूलर में ठंड लगने लगी, तो सुबह के टाइम में मैंने कूलर को भी बंद कर दिया। कुत्ते मल ले गया अगर साथ में, पीछे के सके बैठ। हाँ जी, ना ना तुम ही बताओ। हाँ, आज कितने दिनों के बाद में प्री वर्कआउट पी रहा हूँ शेकर के अंदर, नारिया बोतल से काम चला रहे थे हम। जिम करने जाओ तो ऐसा माहौल होना चाहिए, देखो सब लोग अपना अपना सामान रेडी कर रहे हैं, अपना अपना प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट सब कुछ रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी चलते हैं, लगाएंगे आज अपना बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। चले, प्रमोशन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा आजकल किसी भी वीडियो में, दिखाई नहीं रहा मैं कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। आज का वर्कआउट हो गया जबरदस्त, मतलब हमारा वर्कआउट तो आज का डेली जबरदस्त हो रहा है। बट आज प्री वर्कआउट मील में हैवी बढ़िया काप्स लिए थे, आपको दिखाया था, इस वजह से और अच्छा वर्कआउट हुआ। तो अभी प्रोटीन वगैरह मैंने पी लिया है सब कुछ, अभी मैं जा रहा हूँ अपना हेयर कट कराने के लिए। इनके लिए मैं 3-4 दिन से सोच रहा हूँ और आज फाइनली वो दिन आ गया। तो सबसे पहले चलते हैं, ये जरूरी काम निपटा के आ जाते हैं। 2000 years later. So guys, बाल-बाल कट के सेविंग वगैरह सेट हो गई है और अंडे भी बॉयल करने रख दिए हैं हमने, अपने अंडे बॉयल हो रहे हैं। इसके बाद अभी वो सुनाएंगे, खाएंगे। भूख लगी, आजकल पता कैसा हो रहा है, मतलब भूख लगती है तो हल्की पूरी नहीं लगती, एकदम से भयंकर वाली भूख लगती है। तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। तो गाइस, अपने ओट्स और अंडे, इसमें है 6 बॉयल एग, जिसमें कि 2 विद योक हैं और 4 हैं वाइट एग, और अपने ओट्स। तो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देखियो मैं क्या लाया, तवा है ये मिट्टी का, बेच रहा था वहाँ पे, पसंद आया था मुझे, खरीद के ले आया मैं। चलेगा भी? हाँ हाँ, बहुत से लोग खरीद रहे थे वहाँ पे, 50 रुपये में दिया उसने। सही है ना, बढ़िया लगा मेरे को तो। सो गाइस, 1:30 बज रहा है और मैं आज जल्दी घर पहुँच गया, साहिल को जल्दी पहुँच के शॉप पे। तो अभी अपना डाइट वाइट यहीं पर रेडी होगी सारी, ये रास्ते में पसंद आ गया तो मैंने खरीद लिया था। सही है, आज फिर से मौसम हो गया बारिश वाला, मस्त एकदम चल गया, बादल हो रहे पूरे, मतलब बारिश आएगी पक्की बात है, बस ऐसे ही मौसम होता रहे तो सही है। बस अभी भी नहा के आया था ऊपर देखने गया, कपड़े उपड़े तो नहीं पड़े, कहीं दिखे आंधी में उड़ जाए, क्योंकि आंधी भी बहुत तेज आ रही है और बारिश तो आने वाली है। आज थोड़ा सा जल्दी घर आ गया था, सोचा थोड़ा देर सो लूँगा, पर ये बिना टाइम के उठ गया आज, जिसकी वजह से ना सोया ना कुछ, बाहर भी आ गया। सो गाइस, 4:15 बज गए हैं और अपना लंच रेडी है, दाल चावल और बॉयल चिकन फाइनली इस बार स्टार्ट हो गया, थोड़ा लेट हुआ पर हो गया। चैम, अरे तुम भी डाइटिंग कर रहे हो क्या, खीरा खा रहे हो? अरे चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं प्रेमनगर फटाफट, चलो रेडी हो जाओ।
लो पैसे दो पैसे, और खीरा भी दे दो। जाओ रेडी हो जाओ। कैसी है, वापस मांग लिया उसने तो? जाओ रेडी हो जाओ, जाओ पैसे दो। लो जाओ, मम्मी को दे दो पैसे। बेटो इधर आओ, सारे पीना बटर इधर कर दिए इसने। सो गाइस 7 बज चुके हैं, अपनी डाइट का टाइम हो गया है। तो ये वही दिन में जो खाया था, दाल चावल और बॉयल चिकन, उसके साथ में आधा स्कूप BCAA भी है। तो फटाफट से अपनी डाइट कंप्लीट कर लेते हैं। BCAA तो सभी को पता ही है किस लिए होता है। चैम तुम खाओगे, डाइट खाओगे? और देखो एक पैर में चप्पल है, एक पैर में चप्पल नहीं है। कहाँ चप्पल है? हाँ एक कहाँ है? कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, चलो गंदे मत हो, आ जाओ खड़े हो जाओ। फ्रूटी को गिलास में डाल रहा है, देखो पूरा गंदा कर दिया इसने। रोटी ग्लास में डाली जा रही है, पी लो। स्ट्रॉ से नहीं पीता, ग्लास में डालेगा फिर पिएगा, अब फिर डालेगा। ग्लास ही गिर गया उसका, ये देखो ग्लास, ग्लास में डालेगा फिर पिएगा। सो गाइस 9 बज चुके हैं और अभी भी अपना प्रोटीन पी रहा हूँ। ये दिन में दूसरी बार प्रोटीन पी रहा हूँ, मतलब दूसरा स्कूप। और मैंने आज सुबह से प्रॉपर डाइट फॉलो की है। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करूँ, पूरे दिन का हिसाब किताब, तो लगभग मैंने आज 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है, मतलब कर लूँगा डिनर तक। और मेरा वेट है अभी 87, तो मुझे वेट के अकॉर्डिंग लगभग चाहिए तो 175 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में, और मैंने 200 ले लिया है। अगर ऐसे ही मैं प्रोटीन कंटेंट अपना डेली 200-200 लेते रहूँगा ना, तो एक महीने में ऐसा मजा आएगा कि आप लोग भी बोलोगे भैया कुछ कर दिखाया है। तो बस कोशिश यही रहेगी कि अपनी डाइट मेंटेन रहे, क्योंकि सारा गेम डाइट का है। तो फटाफट से प्रोटीन पीता हूँ, फिर चलता हूँ जिम, क्योंकि अभी मेरे को एक पीटी और देनी है अभिषेक भाई को। और इसमें मेरी दाल थी, वो भी मैंने इसी में डाल दी है। ऑमलेट मतलब क्या, अंडा भुर्जी बनाने के बाद में मैं इसे फटाफट से रेडी करके दिखाता हूँ। ये है अपना आज का डिनर। ये नीचे कपड़ा रख दिया, वरना शीशा टूट जाता है इसका, इस गर्म के कारण। तो इसमें 3 अंडे, अपनी दाल भी इसमें डाल दी थी मैंने, बाकी 2 रोटी हैं। तो फटाफट से खा लेते हैं। वैसे आज जल्दी आ गया था मैं घर, अभी 10:30 बज रहे हैं, मेरे पीटी वाला भाई आज आया नहीं था, तो मैं भी फिर फटाफट से आ गया। अभी फटाफट खा पी के सोते हैं, सुबह जल्दी 4:30 बजे उठना भी होता है।